हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। इसमें हम एग्जांपल लेंगे एक फिक्स्ड बायस कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का, जिसमें आरबी दिया हुआ है, आरसी दिया हुआ है हमें। आरबी की वैल्यू 570 किलो ओम है, आरसी 3.3 किलो ओम दिया हुआ है। पावर सप्लाई वीसीसी 12 वोल्ट है। बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर 100 दे रखा है। बीबीई ऑन दिया हुआ है 0.6 वोल्टेज। C1 एंड C2 की वैल्यू दी हुई है 10 माइक्रो फैराड। CL लोड कैपेसिटेंस दिया हुआ है 100 पिको फैराड। हमें निकालना है इसमें लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर कट ऑफ एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमने पढ़ा है थ्योरी में कि वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी, गेन एंड फ्रीक्वेंसी के मध्य जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होने पर सिग्नल हमारा एटेन्यूएट हो जाता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद भी हमारा सिग्नल एटेन्यूएट होना शुरू होता है, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम FU। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये होगी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ये होगी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे? लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π इनपुट रेजिस्टेंस RIN मल्टीप्लाइड बाई इनपुट कैपेसिटेंस CIN। अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π R आउटपुट एंड C आउटपुट, आउटपुट फ्रीक्वेंसी एंड ये आउटपुट रेजिस्टेंस। हमने दोनों जानते हैं कैसे इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये हमने अभी से पहले वाले लेक्चर्स में देखा है। तो R इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? आर इन बराबर जो होगा, हमने देखा था आर बी पैरेलल होगा आर पाई के। आर पाई कैसे निकालेंगे? आई बी ये आई पाई निकालने के लिए इसके ऑपरेटिंग पॉइंट्स निकालने होंगे। ऑपरेटिंग पॉइंट से हम आई बी निकालेंगे और आई बी जैसे निकलेगा तो आर पाई हो जाएगा बी टी अपॉन आई बी जो हमने निकाल रखा है। आई बी बराबर कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में? आई बी जब हम निकालेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट्स तो हम इसमें इनपुट को कंसिडर नहीं करेंगे, तो वी सी सी माइनस वी बी ई ऑन, ये हमारा क्या है? वी बी ई ऑन डिवाइडेड बाई आर बी। तो हम इस कैलकुलेशन से हमारे आई बी आई 0.02 मिली एम्पियर। आई सी बीटा टाइम्स ऑफ आई बी 2 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो आर पाई कैसे निकालेंगे हम? आर पाई आएगा वी टी अपॉन आई सी, आर पाई आ जाएगा हमारा 1.3 किलो ओम। आर पाई क्या आ जाएगा? 1.3 किलो ओम। आर आउटपुट क्या होता है? आर सी होता है। इसमें हम आर नॉट को कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि अर्ली वोल्टेज को बहुत हाई मान रहे हैं। आर आउटपुट क्या है? डायरेक्ट आर सी 3.3 किलो ओम। सी इन इनपुट कैपेसिटेंस क्या है? C1। अभी हम बाकी फ्रीक्वेंसीज हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल देखेंगे तो उसमें कुछ अन्य फ्रीक्वेंसीज का भी इसमें योगदान होगा, लेकिन हम अभी जब देख रहे हैं जब उसके बारे में नहीं कहा गया है तो हम केवल आर इनपुट C1 को ही मानेंगे। सी इनपुट बराबर क्या हो जाएगा? C1 तो 10 माइक्रोफेराड। सी आउटपुट क्या होगा? C2 और CL सीरीज में आ जाएंगे दोनों, C2 और CL सीरीज में आ जाएंगे। तो जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो वो कैसे निकालेंगे उसका हम आउट इक्विवेलेंट? CL मल्टीप्लाइड बाई C2 अपॉन CL प्लस C2, जो कि इक्विवेलेंट होता है CL के, क्योंकि CL की वैल्यू 100 पिकोफेराड और C2 की वैल्यू 10 माइक्रोफेराड। तो इसमें बड़ी कौन सी वैल्यू होगी? 10 माइक्रोफेराड पिकोफेराड से बहुत बड़ी है, इसलिए जब पैरेलल इसका सीरीज में होंगे कैपेसिटर तो जो वैल्यू सबसे कम होगी उसके लगभग बराबर ही वैल्यू आएगी। तो हमारा CL क्या आ जाएगा? 100 पिकोफेराड। तो हम जब इस फॉर्मूले में F लोअर निकालने के लिए आर इन और सी इन की वैल्यू रखेंगे, एफ यू निकालने के लिए आर आउटपुट और सी आउटपुट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एफ एल क्या आ जाएगा? 1/2π, 2π की वैल्यू 3.14, आर इन क्या आया था? 1.3 किलो ओम एंड सी इन आया था 10 माइक्रो फेराड। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो हमारी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई 12.24 हर्ट्स। अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालने के लिए क्या किया? आर आउटपुट की वैल्यू रखी इसमें, सी आउटपुट की वैल्यू पुट करी और इससे हमने देखा कि इस फॉर्मूले को जब हमने कैलकुलेट किया इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 20.724 आया,
और जब हमने पावर्स को देखा तो ये 3 to 5, 12, 5, 7 आ जाएंगे, 10, 6, 7। जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी आई, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो आई 482 किलो हर्ट्स। इस प्रकार हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं।